वेलकम टू माय चैनल तो आज के टैर रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर स्पाउस तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्पाउस पे किस तरीके का पड़ेगा यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू पाइल नंबर वन आप ट्रांसफॉर्मेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप फेरी स्पॉटिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर वन अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका थर्ड आ रहा है यहाँ पे एम्पर एरीज एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स नेक्स्ट आ रहा है हैंगमेन पाइसिस एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है आपके लिए एट ऑफ कॉइंस टू ऑफ विक्स ऑफ कप्स द लवर्स जमना एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट जजमेंट जो है यहाँ पे दो दफ़े है स्कॉर्पियो एनर्जी है हैवी इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका आपके स्पाउस पे ये पड़ेगा चाहे जो भी जेंडर हो कि आप बहुत इंटेंस पर्सन हो डीप पर्सन हो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी या ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी आप जो है वो फिजिकली भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी और इमोशनली भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी जब आप बचपन में रहे होगे तो कुछ हद तक पीपल प्लीजर हो रहे होंगे या फिर जो है बच्चों का या आस के इन्वायरमेंट का आप पे काफ़ी फर्क पड़ता होगा लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने ये समझा कि लोगों को जब मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी उनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए या आपने फिजिकली जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की होगी पहले आप थोड़े ओवर रहे हो गए तो आ, कम वेट किया होगा या कम वेट होगा तो आपने मसल्स अपनी बनाई होंगी तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपने ये समझा कि आपका टाइम जो है वो काफी ज्यादा प्रेशियस है तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपके इस के ऊपर यही पड़ेगा कि आपके लिए आपकी लाइफ और आपका टाइम आपके इमोशंस काफ़ी प्रेशियस हैं आप हर इंसान को पसंद नहीं करते हो और ना ही जो है वो हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हो तो ऐसी एनर्जी भी है आपने अपने बचपन में जिम्मेदारियाँ निभाई होंगी या फिर जो है आपको डेडिकेशन या सॉरी डेडिकेशन जो है वो रखना पड़ा होगा या डिटर्मिनेशन एक छोटी एज से ठीक है आ, मैं बोल नहीं पा रही थी तो शायद आप इस चीज से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे कि ये बचपन की बातें या ट्रॉमा को बाहर लेकर आ रही है बट यहाँ पे ये चीज है कि आपके स्पाउस ये देख पाएंगे कि आपने अपने बचपन में काफी कुछ सहा है या बच्चों ने बुली किया होगा कुछ इस तरीके की चीजें लेकिन फिर भी जो है आपने काइंडनेस uh, को अपनी जिंदगी में रखा है थ्री ऑफ कप्स आया आपके कुछ पर्टिकुलर तीन या चार दोस्त हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे कुछ ऐसी एनर्जी है यहां पे जो है हैंगमैन भी आया है स्पाइसिस एनर्जी आपने परस्पेक्टिव को चेंज किया जैसे कुछ लोग होते थे कि बुली करते थे आपको तो आपके स्पाउस ये समझ पाएंगे या आपने कुछ उन्हें इंसिडेंट भी बताया होगा तो आपने जो है उन लोगों से बात करनी बंद कर दी तो भी जो है उन्होंने तंग करना आपको बंद नहीं किया तो एक बार आपने पिटाई कर दी तो वो वाली एनर्जी है और आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके अंदर पेन भी है क्योंकि लोगों का जो आपकी तरफ रवैया रहा है वो सही नहीं रहा है कुछ इस तरीके की सिचुएशन है नेक्स्ट आ रहा जजमेंट आया नाइन ऑफ कॉइंस आया तो ये भी सिचुएशन है कि आपने अपनी लाइफ को आ, काफी ऑप्टिमिस्टिकली या पॉजिटिवली लिया है और उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हो आप अपने आप में फाइनेंशियल तरीके की हेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हो इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो वो चीज़ एक अच्छी बात है और फर्स्ट uh, इंप्रेशन ये रहेगा कि आप किसी पे रिलाई नहीं करना चाहते हो या किसी पे ट्रस्ट करने से पहले हज़ार दफ़े सोचते हो तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है नेक्स्ट आ रहा टू ऑफ वन सिक्स ऑफ कप्स है लवर्स है जजमेंट है तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले पाते हो जो आपको सही लगता है आप वो करते हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों चीजों को जो है आप मैच करके देखते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है ये सब चीजें जो है आपके फर्स्ट इंप्रेशन में आपके स्पाउस के ऊपर पड़ेंगी आपके स्पाउस ये भी देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एम्पति है और आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है क्योंकि वो आपको तभी से पसंद करने लग जाएंगे आपके बोलने का तरीके से जो है वो आपको पसंद करेंगे और आपकी बातों को लगातार लंबे समय तक सुनने की कोशिश करेंगे उनको जो है उसी समय पे फोटो देखकर या आपको देखकर ही जो है फर्स्ट टाइम लव की जो है वो अनुभूति जो है वो होगी ऐसी चीज़ है और उनके सेंशुअल तरीके के भी थाट प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर एक रीबर्थ हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें देखी उससे जो आपकी पर्सनैलिटी कार्व हुई वो इस पर, इस पर्सन को पर्सनैलिटी जो है वो पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स पहला आ रहा है फ्रीडम आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस आप फ्रीडम को पसंद करते हो पावरफुल हो और अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करने में यकीन रखते हो नेक्स्ट आ रहा है एम्पति आई एम ओपन टू सींग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन तो यहाँ पे ये चीज है आप अपनी एम्पति को या इमोशंस को जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखते हो नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर यू फॉर योर हाइस गुड इम्बरेस योर ट्रांसफॉर्मेशन द बेस्ट इज येट टू कम तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी जिंदगी में बेस्ट लेकर आएगी और नेक्स्ट आ रहा है प्रेशियस टाइम द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ़ योर प्रेशियस टाइम बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदो तो यहाँ पे ये यह चीज़ है कि आप जो है वो अपने टाइम को भी वेस्ट नहीं होने देते हो और दूसरे के टाइम को भी वेस्ट नहीं होने देते हो आपको जो है अकल्ट साइंस और जो है बाइनोकुलर्स आउल हैरी पॉटर फिक्शनल uh, किताबें पढ़ना डिटेक्टिव वाली किताबें पढ़ना नावल पढ़ना वो सब पसंद होगा तो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन uh, जो है आपके इस के ऊपर ये चीज़ पड़ेगी कि आपको हॉरर मूवीज या जादूगर से रिलेटेड या मैजिक से रिलेटेड या फिक्शनल किताबें पढ़ना या नॉवल पढ़ना या थ्रिलर वाली चीज़ों को देखना या पढ़ना पसंद है तो इस तरीके का इंप्रेशन पड़ेगा एक ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपकी डेप्थ जो पर्सनैलिटी की है उसको जो है रिकोगनाइज़ कर पाएंगे और उसकी वो इज्जत भी करेंगे चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए तो यहाँ पे जो है मैरिज आया है मैरिज जरूर होगी और उसमें जो है आपको खुशी होगी और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है तो ईश्वर भी चाहते हैं कि आप वो खुशी महसूस कर पाओ जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया है नेक्स्ट आ रहा है कर्मा आया है तो फ्रेंडशिप के तरीके से रहेगा रीबर्थ है यही आपका कर्मा है और पॉजिटिव तरीके से कर्मा को हमेशा लोग पॉजिटिव नेगेटिव uh, तरीके से ले लेते हैं बट एक्चुअली में कर्मा जो है वो आपने जो किया है उसका पॉजिटिव जो है या नेगेटिव जो है वो आपको मिलता है आपने पॉजिटिव किया आपको पॉजिटिव मिलेगा तो वो वाली एनर्जी है चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए एक सनम चाहिए आशकी के लिए आशकी मूवी का गाना है फिर ले आया दिल बर्फी मूवी का है और एक और देख लेते हैं आपके लिए नो मैटर वॉट जोन का तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करते हैं

नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स टेन ऑफ पेंटिकल्स दो दफे आया है और नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना सबसे पहले तो ये आएगा कि आप बहुत रिच हो और आपकी पर्सनैलिटी रिच है रिच जो है वो मनी वाइज तो हो ही लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा रिच है आपको काफी लैंग्वेजेस आती होंगी आपको लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद होगा आपको क्रिएटिव क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा आपको रंगोली बनाने का इच्छा होती होगी या आप बनाते हो तो कुछ इस तरह की चीज़ें स्पिरिचुअल वर्क आप करते हो या पूजा पाठ में आपका बहुत ज़्यादा यकीन होगा जो भी जेंडर हो आपका ठीक है तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और मुझे यहाँ पे ये यह भी लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका यही रहेगा कि आप एक बैलेंस पर्सन हो लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा हिडन डेप्थ है आपकी जो एक मुहावरा होता है स्टिल वाटर रंस डीप ठीक है एक लेटर्न लेटर्न लैंग्वेज का जो है प्रोवर्ब है Uh, उसका मीनिंग होता है कि ऊपर से जितना व्यक्ति शांत दिख रहा है उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्स जो है वो पर्सनैलिटी होती है और उतनी ही उसे नॉलेज होती है तो ऐसी एनर्जी है आपके पास जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगी या आपकी इच्छा ऐसी होगी यहाँ पे वेल्दी फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रही है आप जो है वो आपको आ, कुछ चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ हो सकता है अब वो स्टैम्प हो सकती है वो क्वाइंस uh, हो सकते हैं अलग अलग करेंसी हो सकती है मैग्नेट्स हो सकते हैं अलग अलग देशों के कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ऐसी एनर्जी भी है तो फर्स्ट इंप्रेशन यही चीज़ रहेगी आपकी आंखें जो है वो तब चमकती होंगी जब आप अपने एक्सपीरियंसिस के बारे में बताते हो जब अपने पेट्स के बारे में या डॉग्स हो गए या जो भी आपके घर में पेट्स हैं उनके बारे में आप बताना पसंद करते हो तो ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्स है आप सच बोलना पसंद करते हो और सच सुनना ही पसंद करते हो कोई अगर डिप्लोमेसी खेल रहा है या बातें कर रहा है कुछ इधर की उधर की उधर की तो वो जो है उस चीज को आप अपनी जिंदगी से डिनाई करते हो या हटाना पसंद करते हो आपके लिए दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लेकिन उन्ही लोगों को दोस्त बनाते हो जो बनने के लायक है तो फर्स्ट इंप्रेशन ये चीज रहेगा तो आप काफी चूजी या सेलेक्टिव पर्सन हो सकते हो आप लोगों का परस्पेक्टिव सोचने का चेंज कर सकते हो जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की जो है वो शादी नहीं हो सारे लोग ऐसे कहेंगे कि हाय उसकी शादी नहीं हुई वो तो बड़ा बेचारा है या ये है या वो है जो भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो आप कहोगे अच्छा हुआ डिवोर्स से बचकर तो आपका जो सोचने का तरीका है वो और लोगों से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है अलग है नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइंस है टेन ऑफ कॉइंस है तो यहाँ पे आप अपने काम पे स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और उसको करना सही तरीके से समझते हो तो आपकी जिंदगी में जो है वो ये चीज रहती है टेन ऑफ द वर्ल्ड है तो यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में ये भी महसूस करते हो कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है और आपके लिए वो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंस रखती है तो फर्स्ट इंप्रेशन ये भी पड़ेगा कि आपके लिए फ़ैमिली और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आप पॉजिटिव थिंकिंग बिलीव करते हो कई बार चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो ऐसी एनर्जी आपको फ्लावर्स का गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है या पेंटिंग का शौक़ हो सकता है फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ होगा आपको जो है वो फ्रेग्रेंसिस या परफ्यूम्स पसंद हो या अगरबत्ती जलाना अपने घर में बहुत ज़्यादा पसंद होगा ऐसी एनर्जी भी है या वो होते हैं कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वो चीज़ भी है आप अपनी लाइफ में जो है हंसी या खेल करना या कॉमेडी मूवी देखना या हंसना वो ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है पॉजिटिव एनर्जी हम अगर हमारे घर में होती है तो हम पॉजिटिव तरीके से ही सोचते हैं तो ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा और वह आपको तभी से जो है पसंद करना शुरू कर देंगे चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए पहला आ रहा है बैलेंस आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ को क्रिएट करना पसंद करते हो और अगर हैवी एनर्जी भी है या कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए तो भी उसकी लाइटर साइड को देखना पसंद करते हो नेक्स्ट आ रहा है फेरी स्पॉटिंग इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू बिलीविंग इन सीइंग तो यहाँ पे जब आप बिलीव करोगे तो वो आपको मैनिफेस्ट भी करके देगा नेक्स्ट आ रहा है हिडन 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 समथिंग इज अबाउट टू कम टू लाइट पर बैक ऑफ योर माइंड वेन वी एक्सपोज हिडन वी कैन बिकम फ्री तो यहाँ पे ये यह चीज है कि आपकी जो है हिडन मेमरी है या हिडन चीजें हैं आपकी लाइफ में वो आपको क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी जिंदगी में फ्री हो सकते हो तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो इस तरीके का ही पड़ेगा तो यहां पे जो है, जो है है फ्रिक्शन आपके लिए आ रहा ठीक है थीके? या हो रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है चेंज योर यस्पेक्टिव आप किस तरीके से सोचते हो वो एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है तो यहाँ पे जो है कैरियर आ रहा है उसमें स्टेबिलिटी है उस चीज को एंजॉय करो कीप गुड इंटेंशन स्पिरिचुअलिटी है न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है और वो चुपके से आएगा एकदम से जो है वो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा और चिल्ड्रन यहाँ पे आ रहा है तो आपके लिए जो है वो आ, किसी कैफ़े में जा रहे हो कोई कहीं पे मिलने जा रहे हो आप दोनों एक दूसरे से कैफ़े में या किसी गार्डन में इस तरीके से मिलोगे वहाँ पे चाय नाश्ता या कॉफ़ी रहेगी या सर्दी का टाइम हो सकता है या आने वाले समय में जो है अगर सर्दी आ रही है तो वहाँ पे आप मिलोगे तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए बंजा रानी तुम्हारी सुलू का और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बेानतहा टू का तो बी से नाम भी हो सकता है किसी का ठीक है तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे और नेक्स्ट आ रहा है दुनिया ध्वनि भानुशाली का तो बी और डी जो है इनिशियल जो है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है तो फाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू